महाराजा 70 साल के बारे में हम लोगों ने काफी सुन रखा है, मतलब हिस्ट्री में हम लोगों ने महाराजा 70 साल के बारे में पढ़ा था, लेकिन महाराजा 70 साल के ऊपर हमें आज तक कोई मूवी नहीं देखने को मिली है, ना कोई वेब सीरीज देखने को मिली है, जिससे कि हम उनको डिटेल में जान पाए कि महाराजा 70 साल कौन थे, क्या हुआ। हाँ, बस थोड़ा सा सीन उनका देखने को मिला था हमें बाजीराव मस्तानी में, जो मस्तानी के पिताजी बने थे वो महाराजा 70 साल के, महाराजा 70 साल का थोड़ा सा रोल उसमें देखने को मिला था, लेकिन कुछ डिटेल वीडियो, कुछ मतलब डिटेल मूवी कोई उनके बारे में नहीं आई है। लेकिन अब आ चुकी है उनके ऊपर एक 70 साल नाम की वेब सीरीज आ चुकी है MX प्लेयर पर, तो बात करते हैं इसी वेब सीरीज के बारे में, पूरा रिव्यू करते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल, लेके आ गया आपकी जिंदगी में एक और बवाल। आज हम बात करने वाले हैं 70 साल वेब सीरीज की, जो MX प्लेयर पर रिलीज हुई है। मतलब भाई, हमारे यहाँ पर, हमारी दुनिया में ऐसे महान महान योद्धा हुए हैं जिन्होंने मुगल सल्तनत की नींव हिला कर रख दी है, मतलब मुगल सल्तनत को लोहे के चने चबवा दिए और मुगल बादशाहों के नाकों में दम कर दी, जिनका एक ही सपना था कि बुंदेलखंड को मुगलों की सल्तनत से, मुगलों के शासन से मुक्त कराकर और एक सशक्त राष्ट्र बनाना, वो उनका एक महान सपना था, जिसको पूरा करने के लिए वो औरंगजेब से सीधे सीधे भिड़ भी गए। भाई, महाराजा 70 साल एक ऐसी चींटी थे जो हाथी की सूंड में घुसना भी जानते थे और हाथी की सूंड में घुसकर हाथी को पटकना भी जानते थे, जिन्होंने किया भी। भाई, औरंगजेब जैसे बड़े हाथी को उन्होंने उठा के सीधा जमीन पर पटका। तो भाई, बहुत अच्छे योद्धा थे जिनका नाम अभी यहाँ हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं इस वेब सीरीज के बारे में, तो 70 साल वेब सीरीज ठीक कहेंगे कि ठीक वेब सीरीज है, और इसमें बात करें तो भाई देखो, इसमें हिस्ट्री के बड़े बड़े पॉइंट सारे कुछ दिखाने की हमको कोशिश की गई है, मतलब पूरी हिस्ट्री हमने कंप्लीट इसमें दिखाने की पूरी कोशिश की गई है, और 70 साल के बारे में पूरा जानने को मिलेगा, क्योंकि भाई इसमें 20 एपिसोड है, 20 एपिसोड आप समझ सकते हो कि मतलब टोटल पूरी स्टोरी हमें कवर करने को मिलेगी। और लेकिन भाई, जो अगर पैसे नहीं देना तो नहीं बनाना था, जो अगर तुम्हारा बजट नहीं था तो नहीं बनाना था वेब सीरीज, क्या जरूरत थी। हम लोगों ने बोला था क्या तुमसे कि भाई वेब सीरीज बना, हम देखने के लिए बैठे हैं। भाई, इतना सस्ता VFX, भाई इससे अच्छा VFX तो भाई ऊपर कर लेते हैं, जिनके भी यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं उससे ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। भाई बिल्कुल ना, आंखों को पोलियो हो जाए इच्छा वाला VFX सबको देखने को मिला है इसमें, क्योंकि VFX में ज़्यादा खास नहीं था, और ऊपर से भाई तुम्हारे पास इतना बजट नहीं था। भाई हिस्ट्री का इतना बड़ा बादशाह औरंगजेब, भाई उसकी तलवार तुमने कार्डबोर्ड से बना दी है, मतलब यार 1000-2000 खर्चा करके मार्केट से तलवार उठा लेते तो कम से मतलब ना सैनिकों को तलवार देते, कम से कम वो आपसा है बादशाह को तलवार बना देते, मतलब यार ही यार क्या कर रहे हो, मतलब कुछ भी चल रहा है भाई। इतना बड़ा बादशाह, उसका जो खजाना दिखाया गया वो भी ग्रीन स्क्रीन पे दिखाया गया, थोड़ा बक्से बक्से रख देते हैं वो पुराने वाले, और उसमें थोड़ा वो गोल्डन वोल्डन भर देते हैं, मतलब इतना पैसा नहीं तो तुम्हारे पास में, इससे ज़्यादा तो अगर टोनी कक्कर असली रुपये नहीं घूमता है, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं कि तुम ज़्यादा कुछ कुछ तो रख देते हैं भाई, गोल्डन वोल्डन कुछ नकली ही रख देते हैं, हमेशा भी असली कौन रखता है, नकली रख देते हैं कुछ भी नहीं, ग्रीन स्क्रीन पे दिखा रहा हो, समझ में टोटल आ रहा है तुम्हारा VFX इतना खराब था, उसमें सीधे समझ में आ रहा है कि भाई तुमने ग्रीन स्क्रीन पे दिखाया है। और इसके बाद भाई साइड एक्टर्स हद कर दी, भाई हद कर दी साइड एक्टर्स, जैसे आ रहे थे जैसे लग रहा था कि भाई इनको बाबा चाहिए, इनको देख के लग रहा था कि बोल रहे हैं भैया तुम पहले बाबा चाहिए का इलाज करा के आओ, फिर इसके बाद लड़ने आना लेकिन ये लोग कुछ खास कर नहीं पाए वेब सीरीज में, मतलब ऐसा लिखा था उन्होंने जैसा कुछ लिखा हो भैया कि भाई कम पैसे लिए, जिसकी वजह से ये होगा कि भैया नीना गुप्ता और आशुतोष राणा जैसे एक्टर्स ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब यार पूरा बर्बाद। और तो सुना जैसे टैलेंटेड एक्टर नीना गुप्ता जाओ हर में धमाल मचा दिया, मतलब हर वेब सीरीज में मूवी में, और वो एक्टिंग नहीं कर पा रही है नीना गुप्ता, ऐसे आती जैसे उनको बस डायलॉग डिलीवरी करते ही नहीं है, बस अपना काम कर रहे हम निकले यहाँ से, कुछ नहीं सीधा चल रहा है, जो चल रहा है अपना, जो सीन चल रहा है हमारे अपना डायलॉग बोले निकल लिए, आशुतोष राणा भी ऐसे ही बैठे हैं कुछ भी बोल रहा है कि कुछ भी चल रहा है अपना, बस हमको राणा की ऐसी एक्टिंग देखने मिली है। भाई आशुतोष राणा सच में टैलेंटेड एक्टर है, हम अभी तो जानते हैं कि सब में टैलेंटेड एक्टर है, उनको मतलब उनको एक्टिंग में कोई पीछे नहीं कर सकता है, लेकिन
बर्बाद। तो भाई बजट नहीं था, नहीं बनाना था, हम कोई तुमको फोर्स नहीं कर रहा था कि भाई तुम बनाओ, और पैसा कमाना है तो ये लगाओ, कुछ अच्छा दिखाओ। भाई इसमें दो करेक्टर हमें बहुत ज़्यादा पसंद आए, एक शिवाजी महाराज का करेक्टर जिसने भी प्ले किया ना, बहुत भाई धमाल प्ले किया है भाई, अच्छा करेक्टर प्ले किया है, अच्छी एक्टिंग करी है। और एक बंदा जिसने महाराजा छत्रसाल के बचपन का करेक्टर प्ले किया, उसने भी भाई धमाल कर दिया, उसकी भी एक्टिंग धमाकेदार लगी है। बस इन्हीं दो लोगों की एक्टिंग अच्छी लगी है, बाकी नीना गुप्ता और आशुतोष राणा ने तो भाई ओवर एक्टिंग कर दी, और बाकी जो साइड एक्टर्स थे उनको तो टट्टी आ रही थी, दस्त लग गए थे, तो भाई उन्होंने भी बर्बाद कर दिया। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जो अगर आप महाराजा छत्रसाल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वेब सीरीज़ देख लो जाके भाई, 20 एपिसोड हैं, अगर सही लगे देख लेना, हमने तो देख लिया है, अब आप भी देख लो जाके। और अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, कि जैसे कि नई मूवी की अपडेट्स और मूवी के एक्सप्लेन्ड वीडियो जल्दी से आपके पास पहुंच जाएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।